सूरत में भगवान परशुराम जन्म जयंती उजवणी धामधूमथी करवामां आवी हती। भगवान परशुराम जन्मोत्सव में दीवो अने मोबाइल फ्लैश लाइट चालू करीने महाआरती करवामां आवी हती। भगवान परशुराम जन्मोत्सव में दीवो अने मोबाइल फ्लैश लाइट चालू करीने महाआरती करवामां आवी हती। भगवान परशुराम जी जन्म जयंती शहर में परशुराम जी जन्मोत्सव कार्यक्रम नु आयोजन करवामां आव्युं हतुं। आ कार्यक्रम में अयोध्या राम जन्मभूमि ट्रस्टना अग्रणी सभ्य अने काशी सिद्धपीठ हरिद्वारना संत विजयानंद पुरीजी महाराज अने शहरना समस्त ब्राह्मण समाज उपस्थित रह्या हता। तमाम लोको साथे मळीने भगवान परशुराम जी नी दीवो अने मोबाइल फ्लैश लाइट चालू करीने महाआरती करवामां आवी। आ कार्यक्रम में राज्यना मार्ग मकान प्रवासन प्रधान पूर्णेश मोदी अने सूरत 84 तालुकाना धारासभ्य जंखना पटेल हाजर रह्या हता। के लिए और भारत माता के गौरव को बढ़ाने के लिए, विश्व में सनातन धर्म के रक्षा के लिए त्रेता में भगवान परशुराम का अवतार हुआ था। भगवान परशुराम ने अवतार लेकर सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए, दुष्टों के संहार के लिए जो संकल्प लिया था, उस संकल्प को पूरा करने के लिए बाद में भगवान राम का अवतार हुआ। आज इस युग में भगवान परशुराम जैसे संत की आवश्यकता है, सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए, राष्ट्रीय सद्भावना के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए, सांप्रदायिक सद्भावना के लिए परशुराम जी ने जो काम त्रेता युग में किया था, आज वही काम इस देश में करने की आवश्यकता है। हमारे देश में आज़ादी के बाद और आज़ादी से पहले ब्राह्मणों पर बहुत बड़ा अत्याचार हुआ था, विशेषकर जम्मू और कश्मीर में। कश्मीर से पूरे ब्राह्मण समाज को ही समाप्त करने का कुचक्र आतंकवादियों ने किया था। जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक कानून बनाया, जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल कानून बनाया, 370 धारा दिया, 35 दिया, जिसके तहत जम्मू कश्मीर का कोई व्यक्ति यदि पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में अपने लड़की या लड़के की शादी करता था तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती थी। धीरे धीरे पूरे कश्मीर से ब्राह्मण पलायन करना शुरू कर दिया और आतंकवादियों का बोलबाला प्रारंभ हो गया। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस स्थिति में जो सामाजिक बुराइयां हुई, वहां हमारे ब्राह्मण समाज को और वहां के हिंदुओं की माताओं बहनों को स्तन को काट कर पाकिस्तान जिंदाबाद और भारतवर्ष मुर्दाबाद का नारा लिखा जाने लगा, वो जो कश्मीर की स्थिति थी, उस कश्मीर की स्थिति को हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जब 2014 में आए, और 2014 में आने के बाद राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने जो कल्पना किया था, विश्व हिंदू परिषद ने जो कल्पना किया था कि हम 370 धारा समाप्त करेंगे, 35 से समाप्त करेंगे, तभी जम्मू कश्मीर के लोगों की रक्षा की जा सकती है, और उन्होंने 2019 5 अगस्त को 370 धारा और 35 से समाप्त कर दिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या हुई थी, इसी 370 धारा हटाने के लिए, 35 से समाप्त करने के लिए जम्मू कश्मीर गए थे, लेकिन उस समय की कांग्रेस सरकार ने और उस समय की आतंकवादी सरकार ने, शेख अब्दुल्ला की सरकार ने जम्मू कश्मीर से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जिंदा वापस नहीं आने दिया। जब 2014 में माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संकल्प को पूरा करने के लिए, जब दोबारा 2019 को प्रधानमंत्री बने तो पहला काम किया 370 धारा हटाया 5 अगस्त 2019। इस धारा के समाप्त होने के बाद वहाँ जो ब्राह्मणों का पलायन हुआ था, जो हिंदुओं का पलायन कश्मीर से हुआ था, वो हिंदू वापस कश्मीर जाने लगे, जम्मू जाने लगे, और आज स्थिति ये है कि मैं अभी जम्मू से होकर आया हूँ। मैं 28, 29, 30 मार्च को जम्मू में था। मुझे ऐसा लगता है कि जम्मू अब जैसा राम राज्य जम्मू में कभी रहा नहीं हो। मैं वहाँ सब जगह हूँ, वहाँ गया और देखा जो परिस्थिति वहाँ की थी, उसको देखकर ऐसा लगा कि वस्तुतः जम्मू कश्मीर में भी नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने राम राज्य की घोषणा कर दिया है। महात्मा गांधी ने ये घोषणा किया था कि आज़ादी के बाद भारत को राम राज्य घोषित किया जाएगा,
लेकिन महात्मा गांधी के सपनों को कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया, कांग्रेस ने साकार नहीं किया और राम राज्य घोषित कांग्रेस 70 वर्ष की सरकार में नहीं हुआ। लेकिन जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने तो महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए पूरे देश में राम राज्य घोषणा करने का जो व्रत लिया था, आज वह व्रत पूरा हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो संकल्प किया था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, देश के हिंदुओं ने, कि समान नागरिक संहिता देश में लागू होनी चाहिए, उस समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री तैयार हैं। और मुझे ऐसा लगता है 2024 के चुनाव से पहले 2023 के दिसंबर तक अयोध्या में भव्य रामलला के नवीन मंदिर में रामलला की स्थापना हो जाएगी और उसी स्थापना के साथ में भारत में समान नागरिक संहिता भी लागू करने का संवैधानिक संशोधन भी हो जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आज के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में समाज की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए जो काम चाणक्य ने किया था, जो काम ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने किया था, जो काम भगवान परशुराम ने किया था, आज वही काम इस देश के अंदर हो रहा है। और मैं धन्यवाद दूंगा इस ब्राह्मण समाज के मंगलमय दिव्य परशुराम जयंती समारोह के आयोजक विनय शुक्ला जी को, जो सूरत ब्राह्मण समाज की ओर से किया जा रहा है। सूरत ब्राह्मण समाज में सामाजिक समरसता के लिए सबको साथ लेकर, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो नारा नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने दिया था, उन्हीं विचारधाराओं को लेकर के विनय शुक्ला जी ने ये प्रारंभ किया है ब्राह्मण समाज की ओर से परशुराम जयंती मनाने का। हमें चाहते हैं कि न केवल सूरत, संपूर्ण भारत में, न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व में इस प्रकार की सद्भावना के साथ सबको गले में लगा कर चलने का काम हम सब लोगों को करना चाहिए। और इसी आधार पर आज मैं भी आप सब लोगों के बीच में सूरत आया हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सूरत ब्राह्मण समाज की ओर से परशुराम भगवान की पावन जयंती में आज अक्षय तृतीया के दिन मंगलमय दिव्य जो आयोजन किया गया है, इस आयोजन में आप सब लोग अपना अमूल्य समय जो प्रदान किया है, इसके लिए आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। रमेश गलचर, जनसाक्षी न्यूज, सूरत।